आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा भारत देश की स्थिति अक्षांश और देशांतर पर कितनी है। भारत देश में कुल कितने अक्षांश है, कुल कितने देशांतर है और स्थिति कैसे निकालते हैं। कई बार ऑप्शन में आता है कि भारत देश के दक्षिणी जो ध्रुव पर भारत बसा हुआ है तो वो दक्षिण वाला भाग कितने अक्षांश पर है, 6 डिग्री पर है, 8 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे भारत देश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ता है इस ग्लोब को, क्योंकि देखो ये है ग्लोब और ये है भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री कहेंगे, और ऊपर में यहां पर भारत देश स्थित है, इंडिया। तो यदि हम ग्लोब बनाए इस प्रकार से, ऐसे ये ग्लोब है ना, गोल है। यदि मैं बात करूं यहां से काट दे इसको हम, तो आप देखो ये देखो आधा बचा, आधा गोला, और यदि मैं बात करूं ये पूरा गोला हो गया है ना। तो ये बताओ ये भारत जो है एक ग्लोब, इसको उत्तरी भाग में काट दे तो उत्तर वाला ये आधा गोला होगा और दक्षिण वाला आधा गोला होगा, पूरा मिलाकर के एक गोला होगा। तो भारत देश कौन से वाले गोलार्ध में है, उत्तर वाले में दक्षिण वाले में, फटाफट बोलना। ये स्पष्ट है कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध, आधा गोला कौन सा वाला, उत्तर वाला। तो इंडिया कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर, किसी दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि 0 डिग्री और यहां से ये क्या है 1 2 3 गिनती करेंगे ऐसे हम लोग, तो यहां जाएंगे हम लोग 90 डिग्री पर। तो ये इसको कहते हैं हम लोग अक्षांश, ये 90 डिग्री, 1 2 क्राउंड करते हुए 90, और साउथ में भी 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 कहां पहुंच गए हम लोग 90। तो कितने डिग्री हो गए, 90 प्लस 90, और एक देखो 0 डिग्री अक्षांश है तो कितने हो गए 181, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है, तो ऑप्शन मिलता है उसमें 180, तो उस समय आंसर लगता है 180, लेकिन 181 यदि ऑप्शन हो तो आंसर लगाना पड़ेगा 181 आपको लगा देंगे। तो अक्षांश कितने हैं टोटल, 180, जीरो को छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा तो भारत देश कितने अक्षांश पर है, नहीं उत्तर वाले में, कौन से वाले में है, तो भारत देश उत्तर वाले गोलार्ध में है। अभी इतना हम समझ लेंगे, ये 0 डिग्री, ये भारत देश, इंडिया कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो आप 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 हम कैसे काउंट करेंगे, और काउंट करते 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 ऊपर जाएंगे, जैसे ये 0 डिग्री हो गया ये भारत, तो ये 0 डिग्री और ये भारत हो गया ना। तो सिंपल सिंपल बात है, एक एक बार में समझना। देखो 0 डिग्री, 1 2 3 4 ऐसा काउंट करते करते आते हैं तो यहां जाते हैं हम लोग 8 डिग्री। जैसे ही 8 डिग्री पहुंचते हैं तो भारत देश का जो साउथ वाला भाग है ये मिल जाता है, मतलब भारत देश की इंडिया की मुख्य भूमि स्टार्ट कितने डिग्री से होती है, 8 डिग्री से। फिर 9 10 11 12 13 ऐसे करते 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 पहुंचते हैं 37 38 9 ऐसा करते 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 पहुंच गए हम 90 डिग्री पे। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में इंडिया है, यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है, कितने से, 8 से लेके 37 तक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत देश कितने अक्षांशीय विस्तार में है, बताओ अक्षांश कितना है भारत का, 8 से लेके 37 के बीच, कितना ऑप्शन मिलेगा 8.4 से 37 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है, कोई दिक्कत, इंडिया समझ में गया कि है कहां पर। और लेकिन एक बात सुनो आप, ये तो आपको याद है, लेकिन यहां देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हो गया 8 डिग्री, ठीक है, ये 8 डिग्री पर है इंडिया। लेकिन जब बढ़ते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 करते 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 जैसे ही 6 डिग्री पहुंचते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का साउथ वाला भाग आ जाता है, यानी स्पष्ट हुआ कि भारत देश का दक्षिणी विस्तार कहां तक है, 6 डिग्री तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, ये 6 डिग्री पर स्थित है। फिर 7 फिर 8 फिर 9 10 ऐसा आगे बढ़ेंगे हम लोग कहां तक, 37 तक। यदि क्वेश्चन आएगा कि भारत देश का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड वाला एरिया कितना है यहां से लेकर के यहां तक, तो 6 से 37, और मुख्य भूमि का कितना है, तो 8 से 37, किसी दिक्कत, याद हो गया। तो भारत देश कितने अक्षांश में है, 6 से 37, और मुख्य भूमि से कितना है, 8 से 37। भारत देश को हम बात करेंगे, भारत में 4 जगह है, 4 पॉइंट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण ध्रुव जो है यहां पर है,
यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, पैर से मतलब पॉइंट। यहाँ वाला इंदिरा कॉल है, उसके उधर में इंडिया नहीं है, और यहाँ इंदिरा पॉइंट है, इसके इधर में इंडिया नहीं है। लास्ट वाला भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट का। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ? उसके बाद में इंडिया नहीं है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट यहाँ पर स्थित है। कई बार हम लोग आंसर लगाते हैं यहाँ, ये गलत है, भारत यहाँ तक है। कहाँ तक? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेके कश्मीर तक। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, कश्मीर से पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ आ गया? तो भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है बोलो? 6 से 6 37। अच्छा, और मुख्य भूमि का 8 से 37। इंडिया में कोई दिक्कत अब? 6 से 37 या 8 से 37 तक हो गया अक्षांश निकाला, समझ में आ गया? भारत देश कौन से अक्षांश में है? उत्तरी गोलार्ध में। कितने अक्षांश के बीच? 6 37 के बीच, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी वाला भी होगा, ये भारत यहाँ और यहाँ के बीच फैला है, तो कितने देशांतर के बीच? सुनो, जैसे आपने अक्षांशीय विस्तार देख लिए, उसी प्रकार से एक देशांतरी विस्तार भी होता है। ये ग्लोब, ये तो हो गया भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री, भारत यहाँ पर है। तो क्या हुआ था, यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा है ऐसी सीधी, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये वाला देशांतर है। तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि अक्षांश किसे कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के समूह को हम कहते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 111 किलोमीटर। अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कुल कितने अक्षांश है? तो ये है टोटल 180 अक्षांश है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी प्रकार से देशांतर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के समूह को देशांतर कहते हैं। देशांतर कितने हैं? तो आप बताओ मुझे, ये कितना डिग्री है? 90। ये कितना? 90। यदि मैं ऐसा लाइन बनाऊं तो कितनी डिग्री हो गया? 180। और ये कितना है? 180। कितना हो गया? 360। याद रखना होगा आपको, यहाँ जो देशांतर की संख्या है वो देखो आप, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये है देशांतर, ठीक, ये है 0 डिग्री देशांतर। हुआ क्या था, यहां पर एक देश है नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड 1884 का समय था, और इस समय ये रेखा डिसाइड हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। 1884 में नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया, विभिन्न देशों के भौतिक विदों का, फिजिक्स जो व्यक्ति होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उनको बुलाया। उसके बाद में 1884 में ही, यहाँ देखना बाजू में एक देश है यहाँ पर, ये देश का नाम है ब्रिटेन, ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ 1884 में ही। तो क्या हुआ था, 1884 में ये डिसाइड हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि बोले यार अक्षांश रेखा तो है, एक देशांतर रेखा भी होना चाहिए, एक उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा होना चाहिए। अक्षांश रेखाओं के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, स्थिति पता करते हैं। यदि यहाँ आया मैं तो यहाँ से इतना कितना दूर आया, इधर गया, तो यानी अक्षांश से हम लोग काउंट करते हैं स्थिति, कौन सा व्यक्ति कहाँ खड़ा है। आपके पास GPS चालू है, कोई ट्रक में GPS लगा है, तो हम देख लेते, बैठे बैठे मालिक देख लेता है कि अभी हैदराबाद में ट्रक घूम रहा है, हैदराबाद में ट्रक चल रहा है, ऐसा दिख जाता है GPS सिस्टम के माध्यम से। उसी प्रकार से एक होता है समय बताने वाला, टाइम के लिए, उसको बोलते हैं देशांतर। तो अक्षांश से हम लोग क्या करते हैं, ये जो अक्षांश है इससे हम लोग बताते हैं स्थिति, लोकेशन, किसी की लोकेशन कहाँ है वो पता करते हैं अक्षांश के माध्यम से, है ना। और देशांतर से क्या पता करते हैं, समय, टाइम, कि टाइम कितना है, कहाँ कितना टाइम पहुँच रहा है, है ना, पूर्व में कितना समय था, पश्चिम में कितना है, यहाँ समय निकला कितने बजे, 6 बजे, तो यहाँ कितना बजेगा, ऐसा वाला समय पता करते हैं। तो समय पता करने के लिए 1884 में नीदरलैंड में एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशांतर रेखा होगी। तो देशांतर रेखा खींची थी ये वाली, कहां से पता है, ये ब्रिटेन देश है, और ब्रिटेन देश में याद रखना
ब्रिटेन देश में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है ग्रीनविच लाइब्रेरी। क्या नाम उसका? ग्रीनविच लाइब्रेरी। तो उन्होंने कहा था कि बोले एक काम करो, हम लोग देशांतर रेखा बोले यहीं से खींच देते हैं। तो उनने क्या हुआ, ब्रिटेन के ग्रीनविच लाइब्रेरी से सीधी सीधी रेखा खींच दी ऐसी 0 डिग्री देशांतर। तो देशांतर से हम लोग पता करते हैं क्या, देशांतर से पता करते हैं हम लोग टाइम ड्यूरेशन। भारत से पाकिस्तान समय कितना होगा, पाकिस्तान से जो है ब्रिटेन समय कितना होगा, है ना। GMT 5.5 घंटे हम लोग क्यों लिखते हैं, कारण इसका क्या होगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। देखो आप, तो यहाँ तक क्लियर। अब ये बताओ, ये है 0 डिग्री, पहले आपने पढ़ा था 0 डिग्री अक्षांश, भारत देश कहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में, क्लियर था। अब ये बताओ यहाँ पर ऐसा है 0 डिग्री, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी, ये वाला कहलाएगा पश्चिमी। बताओ भारत देश यहाँ है पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिमी गोलार्ध में, या पूर्वी पूर्वी देशांतर में पश्चिम में है, कहाँ, इधर से इस साइड में है। तो भारत किधर है, पूर्व में, भारत किधर है, पूर्व। तो भारत देश कौन से देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर है ना। अब पूर्वी देशांतर पर यहां से लेकर के कितना, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते करते यहां तक पहुंचते हैं 180। तो 0 से लेके 180 इधर, और फिर 1 2 3 4 काउंट करते करते 180 इधर। तो यहां से लेके यहां तक कितने हो गए, 360। कोई दिक्कत, 360 देशांतर है। समझ में आ रहा बेटा आपको, फर्क क्लियर। अक्षांश कितने में भारत है बताओ, इंडिया कितने अक्षांश पे है, 6 से 37। ये कैसे निकाले थे, समझ में आ गया है सबको, सब लोग पीछे आप लोगों को अक्षांश समझ में आ गया ना। अक्षांश कैसे निकालते हैं, आड़ी लाइन लेटिट्यूड। तो इंडिया कितने पे है, 0 से थोड़ा ऊपर 6 डिग्री से, 6 से 37 तक है ना। और मुख्य भूमि कितना, 8 से 37 तक। तो आपने ये वाला याद कर लिया, उत्तरी गोलार्ध में है कितने से, 6 से 37 तक। ऐसे ही अब देखो इंडिया यहाँ पर है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ से इंडिया किधर है, पूर्व की ओर। तो भारत देश कौन से देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर है, है ना, पूर्वी में है ना देशांतर पे। तो कितने पे, 0, हम काउंट करेंगे, बढ़ेंगे, अब कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 घटते घटते 180 तक जाएंगे, उसमें हमारा इंडिया कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो इंडिया कहाँ पर है, यहाँ देखिए हम काउंट करते गए, यहाँ इंडिया है ना, यार 1 2 3 4 5 आगे बढ़े और यहाँ पढ़े हम लोग यहाँ से। तो ये जैसे ही हम यहाँ बढ़े तो यहाँ आया था 68, फिर 69 70, ऐसा बढ़ते 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 ऐसा बढ़ते बढ़ते हम गए लास्ट इंडिया खत्म 97, फिर ऐसा बढ़ते 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 ये आ गए 180। तो इंडिया स्टार्ट होता है, हमने शुरू किया 0 से आगे बढ़ते हुए, ये 0 1 2 3 गिनते गिनते इंडिया कहाँ शुरू हुआ, 68 से, फिर 69 ऐसा बढ़ते 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 इंडिया खत्म हुआ कहाँ पर, 97 में। बताओ इंडिया कितने देशांतर पर है, 68 से 97 के बीच है, कुछ पॉइंट में है लेकिन आपको समझ में आएगा। बताओ ये वाला, ये कितनी थी, 6, ये कितना, ये कितना, ये वाला। आप बताओ मुझे, आप यदि मैं आपसे बात करूं क्लियरली तो आप बताना मुझे कि भारत देश कितने अक्षांश देशांतर पर फैला है, बताओ कितने अक्षांश पे, 6 से 37, हाँ 37, और देशांतर पे कितना, 68 से 97। बताओ भारत देश कौन से अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में, और कौन से देशांतर पर, पूर्वी देशांतर। भारत देश उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर। अक्षांश में कितना है बेटा, अक्षांश में है 6 से 37 के बीच या 8 से 37 के बीच, और देशांतर पे कितना है, 68 से 97 के बीच। किसी को दिक्कत, समझ में आ गया। तो इंडिया की लोकेशन आपने याद कर ली है, ठीक। अब देखो आगे और, है ना, यहां एक बात और समझ, कौन सी वाली, ये है 68, ये है 97, तो 68 प्लस 97 को जोड़ के 2 से डिवाइड करके तो आधा निकलेगा, बीचों बीच से निकलेगा, बीचों बीच 68 97 को जोड़ो, चलो अपन जोड़ते हैं, चलो
97 प्लस 68 8 7 15 1 10 6 16 हो रहा है। दो से डिवाइड करो कितना पड़ा, 82.5 आया क्या, होगा ना 165 बटे दो मतलब 82.5 आया। तो यहाँ ये वो लाइन कौन सी हो गई, 82.5 डिग्री की, यानी भारत देश का माध्यमिक समय मानक समय कौन सा है, भारत का मानक समय ये वाला है 82.5 डिग्री, है ना। नहीं समझ में, क्वेश्चन आता है कि भारत देश का मानक समय कहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नैनी नामक स्थान है यहाँ से गुजरता है, और ये जो लाई रही है वाली ये भारत के कितने राज्यों से वो गुजरती है, तो आप बताओ मुझे ये लाइन कितने जाती होगी, यहाँ से गई है। तो याद रखना, याद रखना इसका जो है, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको क्लियर हो गया है। आपने पढ़ा अक्षांश, बताओ अक्षांश किसे कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के समूह को हम लोग अक्षांश कहते हैं, और संख्या कितनी है, नहीं संख्या टोटल ग्लोब के ऊपर पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांश, 180 अक्षांश, और इंडिया कहाँ से कहाँ तक है उसमें, 6 से 37 के बीच, और देशांतर किसे कहते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के समूह को देशांतर कहते हैं, और कितने देशांतर है, 360। इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, 68 से 97। कोई दिक्कत, भारत देश कौन से गोलार्ध में है और कौन से देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर है ना। और जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82.5, और कहाँ से गुजरती है, बीचों बीच से, उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से, नैनीताल नहीं नैनी, और कितने राज्यों से, तो याद रखना मौका, ठीक है मौका, मध्य प्रदेश उड़ीसा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से, मध्य प्रदेश उड़ीसा उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा जाती है। इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, जब हम मेन क्लास में पढ़ाते हैं तो ये इसको 2 घंटे लगते हैं ये टॉपिक पढ़ाने में, अभी बहुत सारा बचा है। मैंने तो आपको केवल इंट्रोड्यूस करवाया कि भारत कहाँ पर है, क्या विशेषता है, मेन क्लास में 2 घंटे पढ़ाते हैं हम, और 2 घंटे में हर एक देश की बताते हैं कि देश है कहाँ कहाँ, क्या कारण है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे क्यों, कारण क्या है, कैसे, उगता सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश, मतरापते सूर्य का देश, सब हम करवाते हैं। भारत में समय पहले कहाँ पहुँचता है, सूर्य निकलता है वो कैसे आता है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा ये वाला। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया है, चलो लिखो फटाफट अक्षांश देशांतर।